सो यार सीन अभी पता क्या हुआ, मैं लगभग 5 मिनट आगे निकल चुके थे, उतने में भाई साहब का मैसेज आता है 2 बजे आएंगे हम, 2 या 3 बजे आएंगे हम, अपना मम्मी का घर में जा रहे हैं, आप प्लीज़ हो सके तो 2 बजे तक आ जाओ। और मैं वहाँ पे रुका, मैंने अपने जेब में हाथ डाला तो मुझे दिखा कि पूरा कुछ चिपचिपा चिपचिपा है। तो अगर आपको याद होगा कल रात को मुझे एक रशियन ने एक जेली ऑफर किया, तो वो मैंने रख दिया अपने हाथ में और वो पूरा हो गया स्पिल। तो वही धोने आए थे अभी, और अभी सामान रख के अभी जा रहे सुपर मार्केट। सो ये जो मेरा जो हॉस्टल रूस है, यहाँ से एकदम सीधे में वो दिख रहा आपको डेट येलो शॉर्ट रेडिश टाइप का, लेकिन यार पैर बहुत फिसलता है, गंदा वाला है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये मिट्टी जमा है, लेकिन पानी के साथ ये बर्फ जमा हुआ है। तो एक बात बताना भूल गया, तो जो मेरा जो होस्ट है, जो मेन जिससे मैंने रिक्वेस्ट भेजा था, वो भाई साहब जा रहे हैं मॉस्को, और उनके भाई मुझे होस्ट करेंगे, उनको आता है नहीं इंग्लिश। ऑब्वियसली अगर आर्सेन होते जो मेरे जो होस्ट होने वाले थे, ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली निकल चुके हैं। मैंने उन्हें रात से बोला था कि हम 12 बजे तक आ जाएंगे, लास्ट टाइम पे मना कर दिया, बट वो होते तो नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भाई, मैं उन्हें तो नहीं जानता ना, क्योंकि मैंने जिनका प्रोफाइल देखा है वो तो उनके भाई है, या इंस्टाग्राम में मैंने जिनके साथ शेयर किया है उनके भाई है। बट नॉट सी, वो जो आर्सेन है वो तो पूरा यूरोप घूम चुका, मैंने देखा उनके इंस्टाग्राम में। तो ये मिट्टी देख रहे हो नीचे, ये रोड के जो ये कुछ के एरिया है ना, ये एक परमाफ्रॉस्ट रीजन है, मतलब आप ये जो पूरा लैंड देख रहे हो यहाँ से लेकर पूरा दूर तक जितना भी, उसके नीचे दबा है पानी। पानी तो दबा ही होता ही है, लेकिन विंटर में जो पानी होता है ये कोई थोड़ा मोड़ा पानी का बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी दबा है, मतलब आप बोल सकते हो एक पूरा लेयर एकदम बहुत मीटर्स या किलोमीटर्स लेंथ या डेप्थ का आप बोल सकते हो, पूरा दबा हुआ है, जो विंटर में तो जम जाता है लेकिन समर में वो पूरा पिघल जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जो ज़मीन है वो कमज़ोर होते जाता है। तो ये लोग जो घर कैसे बनाते हैं, ठीक लंबे लंबे जो पानी के सतह को भी एकदम चीर के एकदम पूरा ग्राउंड में एकदम उन्हें फिक्स करना पड़ता है, फिर घर बनता है। अगर वैसा नहीं करेंगे ना, आपको दिखेगा ना ये पूरा शहर पूरा ढह जाएगा, पूरा का पूरा। और जो साखा रिपब्लिक है या ये जो यकूत्स रीजन है, दुनिया में सबसे ज्यादा होली मैमेथ्स, जो वो हाथी जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के, वो इसी एरिया में मिलते हैं, वो भी फर के साथ, क्योंकि उनका बॉडी गलता नहीं है ना इतने ठंडे इलाके जाता। बस जा रही है मेरे इस साइड से, आपने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा इसी टाइप का, बस वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस स्कूल या वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड, वो अमिया कौन वाला, आई बिलीव 9 साल पुराना डॉक्यूमेंट्री है वो वाला, सोवियत टाइप की गाड़ी है। यहाँ पे देखिए ना, अब गाड़ी देखिए कितना पुराना जमाना वाला है, बहुत सारा मुझे पता है कितना, आई बिलीव 30-40 ईयर्स पुराना वाला मुझे काफ़ी गाड़ी दिखे। मॉस्को में वो सब तो दिखता ही नहीं है ना, ऑब्वियस है, क्योंकि इट्स अ मॉडर्न टाउन विद मॉडर्न प्रॉब्लम एंड दिस इज अ सिटी लेफ्ट बिहाइंड इन टाइम्स, बट ब्यूटीफुल है, विंटर में ब्यूटीफुल है। अभी हम यहाँ पे आके चचा बना हुए, विंटर में आते हैं, देखते हैं यार अगर हो सके ना तो मुझे इस विंटर में वापस आएंगे, अगर हो सके तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि रशियन वीज़ा सिर्फ आपके होम कंट्री से मिलता है, दैट इज अ मेजर इश्यू, देखते हैं भाई साहब। लेकिन ओमिया कौन नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रहा है अगर हो गया तो। और इंडिया जाने का ऑब्वियसली जानते हो, अगर इंडिया जाके वापस आएंगे कॉस्ट इतना सारा भाई साहब, तो प्लान वहीं पे चौपट हो जाता है। तो ये है मेरा, मुझे जाना है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइक पेडेस्ट्रियंस के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसलिए मुझे एकदम वहाँ सीधे से देन लेफ्ट और फिर घूम के। देखो मैंने ना उनको रिक्वेस्ट भेजा था 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, ठीक है, आज है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर में से भाई साहब अगर हम 2 बजे तक अगर वेट कर लिए तो भाई मेरा पास टाइम ही कितना बचा, देखते हैं यहाँ 1 दिन एक्सटेंड कर लेंगे ये कुछ के लिए, बट अमियाकॉन की दिक्कत पड़ जाएगा। लेकिन दूसरा बात है, अगर आपको अमियाकॉन हिच करने का सोच रहे हो ना, अमियाकॉन के लिए आपको बैकअप टाइम की आवश्यकता है। कभी तो आपने देखा नहीं होगा कि वर्ल्ड का कोल्डेस्ट सिटी में मॉल कैसा लगता है, तो वो भी दिखा देता है, कुछ नया हो जाएगा आपके लिए भी। लेकिन यार काफ़ी चक्कर लगाना पड़ा यार, 3 चक्कर लगाए हैं फालतू का उस टाइम। शॉपिंग का ढूंढ रहे हैं खाने का चीज़ एटलीस्ट। तो अभी जिस साइड में हम हैं सारे के सारे रशियन गारमेंट्स तरफ ही है,
देखते हैं कोई खाना मिल जाए। फिर काफ़ी दिक्कत है वेजिटेरियन लोगों के लिए यहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे चिपका के रखेंगे बिल बोर्ड, लेकिन मिलता कुछ नहीं यहाँ पे। आई थिंक मिल गया, यहाँ पे जितने बैंक्स हैं ना ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा हैवी मारते हैं। देखना अगर हो सके तो सिपर बैंक इज़ द बेस्ट वन, फूड कॉर्नर उस साइड। ये अचार है क्या? ये तो पता भी नहीं चलता पड़ की क्या है। हाँ अचार लग रहे हैं, लेकिन अचार में भी ये लोग ना मीट ना डालते हैं, वो तो वही डर है। मेरा ऐसे आज मन कर रहा आलू पराठा, देखते हैं हो सका तो आलू पराठा बनाएंगे आज रात में, पक गए का चिंग्स नूडल। यहाँ पे आप देख लेना एक चीज़, कौ और चिकन का मसाला बहुत देते हैं नूडल्स के साथ, उसमें भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है, मसाला में भी फंस जाओगे। हर जगह मुझे दिखता है मीट एंड मीट, उधर भी मीट। यहाँ पे तो ब्रेड का सामान में भी मीट डाल देते हैं लोग, ये तो हालांकि ये पता नहीं इतना रोस्टेड क्यों है। देख रहे इतने काले, इतना काला भाई कौन खाता है? हाउ मच फॉर दिस? ये 69 रुपये, ये भाई 15 रुपये का नहीं लगता मेरे को। हाँ 66 रुपये पिज़्ज़ा है कि क्या है? 187, ये है 140। आते हुए देखते हैं ले लेंगे पिज़्ज़ा। यार यहाँ पे ना पिज़्ज़ा भी वेज नहीं मिलता यार, कुछ तो वेज मिले भाई। ट्रेन में लास्ट मिला था मुझे एंड जूस। क्या बता, यहाँ पे ये इंडियन चाय बहुत मिलता है, मसाला चाय। यहाँ पे वैक्स लगाते हैं। मैंने आपने अगर फर्स्ट व्लॉग देखा होगा ना, तो एनेस्थीसिया को मैंने बोला था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैक्स लगाते हैं, तो हाँ यहाँ पे भी होता है। मतलब दुनिया किसी भी कोने में चल जाओ वैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे। नॉट 50 नूडल्स, जी 10, क्या लिखता है 210 क्या के जी हिसाब से होगा? हाँ के जी 210 के जी के हिसाब से। अरे मशरूम भाई, मशरूम है, बाप रे ये कौन सा इतना बड़ा मशरूम है? मैंने इतना बड़ा मशरूम कभी नहीं देखा। अरे यार पता है मशरूम और पनीर के साथ मसाला वो मस्त लगता है इंडियन क्यूजीन में। मुझे वेजिटेबल्स तो देखना था, वेजिटेबल कोई नया है? देखो जिंजर हमें उधर ही मिलेगा। ये कितना है? तो क्या लिखता है ये लोग, मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ है ना कि मतलब वर्ल्ड का कोल्डेस्ट सिटी में, मतलब हम जैसे इंडियंस के लिए कुछ पॉसिबल है कि नहीं खाने के लिए? भाई ये क्या है, ये कैसा है? ये चिली है, देख रहे हो ये चिली है, इतना बड़ा चिल्ली। लास्ट में देखेंगे, लास्ट में पिज़्ज़ा ही ले लेंगे। हाँ लास्ट में बोल रहे थे पिज़्ज़ा ही ले लेंगे, भगवान करे वो वेज हो। बाहर से देखे थे मे बी, आई होप सो, आई मीन देखते बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं वहाँ से पूरे एंटर करके यहाँ तक। यहाँ पे सिर्फ मीट के टुकड़े हैं, ये क्या है? ये लग तो भाई हमको वेजिटेरियन रहा है, नहीं हमको ये लग रहा ना क्रैब्स का पैर का टुकड़ा, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। वेजिटेरियन ये भी मीट, पूरा मीट है यहाँ पर, पता नहीं कितना रूबेल है, छोटा सा पता है नान टाइप का। ये सब चीज़ ना इसमें भी लो डाल देते हैं मीट। वो वेट कर रही है तब तक वेट कर लेते थोड़ा सा। ये कितना 69 रूबल सैंडविच का? हाँ वेजिटेरियन तो है वैसे। नो हाँ वेजिटेरियन वेजिटेरियन दा ओके ओके वेजिटेरियन दिस वेजिटेरियन ओ ये 140 रुपीज़ का। अच्छा पता वन दिस दा पेमेंट यही एक खुले लेते हैं। हम ढूंढ रहे हैं एक चीज़, उसका नाम है हैंडल, जिसमें मैं कैरी कर सकता। देखते हैं और कुछ ब्रेड आइटम्स ले लेते हैं, रात को भी काम आ जाएगा एटलीस्ट ना। या कुछ के लिए मेरा इरादा है, मतलब मॉस्को ट्रेन लगभग 7 दिन का तो जाएगी, एकदम गंदा भर के वेट उठाएंगे एकदम सारा का। रेट देख लेते हैं बाद में हेल्पफुल हो जाएगा। इसका रहता है इतना 350 रुपीज़ है, ये मुझे खास भी नहीं लग रहा, ठीक है। ये कितना, ये पता नहीं कुछ कुरकुरा टाइप का है बट रुमाली रोटी, ठीक है। अरे भाई रुमाली रोटी आपको अगर कभी खाया है अपने इंडिया में खोल का दा तसीबा ओके काम करते हैं, पहले बकेट उठा लेते हैं। देखते भाई बकेट कहाँ पे, बकेट तो यार मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ बकेट उठाते हैं फिर वापस आते हैं इस साइड में। वेयर इज द बकेट ब्रो, आई नीड द स्मॉल बकेट।
आफ्टर ऑल बकेट लिस्ट को भरने के लिए भी तो हमें बकेट चाहिए ना। बकेट मतलब एक चीज़ वही है कि वेजिटेरियंस लोग के लिए आपको ब्रेड ही मिलेगा, मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा टाइप का मिल जाएगा। ये है वो पिज़्ज़ा ही है। पता नहीं भाई कहाँ पे रखा है यार, यहाँ पे दारू की बोतल्स पंजाबी लोगों के लिए बहुत काम की है। अचार भी ले लेते हैं। नहीं नहीं अचार मुझे नहीं लगता, नहीं अचार में यार मीट कौन डालेगा, लेकिन वही बात है ले सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि प्लेन्स में ज़्यादा बैगेज अलाउड नहीं है, पेट मे बी लेट्स सी। एक्सक्यूज मी स्मॉल वन दिस बैग डा नॉट दिस स्मॉल वन स्मॉल टू टू ओके सर सर हाँ स्पेसिफा दिस दिस स्मॉल वन कुत्ते बिल्लियों का खाना नाइस वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैजेट। अभी रुमाली रोटी ले लेते हैं, गरम करके हो जाएगा रात को मोस्ट प्रोबेबली। नहीं रात को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना मुझे। यह हम देखते हैं हम यकॉन के लिए सारा खाना अभी डक लेते हैं। मैं तो टेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि ना देखो 18 को मेरा ट्रेन है नेरुंगिरी से मॉस्को के लिए, तो मतलब 17 को मुझे यकूत्स्क से जाना पड़ेगा नेरुंगिरी। मतलब मेरे पास कल हम रुकेंगे यकूत्स्क में टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए, मतलब 10 दिन है मेरे पास। और मैं यकॉन हम इंडियंस तो रुमाली रोटी बोलते हैं, इनका तो पता नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा चलो कोई नहीं, क्योंकि यकूतिया का जो खाना है ना वो मछली के अराउंड रिवॉल्व करता है, फ्रोजन फिश। अब हम तो मछली खा नहीं सकते हैं नहीं, लेकिन वेट भी देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा सामान हम फिल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात है ना 100% हम वो जो स्टैंड है फोटोग्राफी के लिए हम शायद नहीं लेके आना चाहिए था। शीशम के दाने हैं क्या, मम्मी बता देगी, हम थोड़ी ना बता पाएंगे। एक ये वाला भारी है ना इसको हम अकाउंट के लिए रख लेते हैं, एक छोटा वाला अभी खाने के लिए ले लेते हैं। ये है 136-137 की ना, लेकिन ये छोटा वाला यार 65 का, दो उठा लेते हैं। मुझे बिस्किट खाने में इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा भी, पता है क्या रोटी नान टाइप के दिए हुए हैं, बट यार डोसा खाने का मन कर रहा है मेरा। ये देखो डोसा अच्छा लग रहा है। मुझे जैसे भी 3 बजे तक का टाइम काटना है कि भाई साहब अपने मम्मी के घर से आएंगे थोड़े लेट। बिस्किट हम कुत्ता नहीं है जो बिस्किट खाएंगे, टेला ये भी ले सकते हैं। अरे तो कुत्ता वाला खाना बे पक। ये है गरम कुत्ता, अगर आप कभी डॉग देखें ना तो गरम कुत्ता खा लेंगे, वही गरम कुत्ता। अरे गरम कुत्ता मीट होता है क्या कि वेजिटेरियन है? नहीं पता एक्चुअली ना, सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना काफ़ी सारे इंडिया में आके काम करते हैं, रशिया में आके काम करते हैं, क्योंकि जो फारिश रीजन है ना यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है वैसे भी, तो अच्छा चल जाता है। ड्रिंक्स रखी है। मैं ना एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये क्या बोलते हैं सैचुरेटेड ड्रिंक्स मैंने ना छोड़ दिया है। इंडिया में तो हम पीते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके 2 बार पीना पड़ गया। कार्बोनेटेड एक्चुअली मैं जब भी पानी मांगता हूँ ना ये लोग कार्बोनेटेड वाटर दे देते हैं जो ड्रिंक्स में एक्चुअली ड्रिंक्स बनाने में यूज़ होती है। ये सेम इंडिया में 40 रुपीज़ तक का मिल जाता है, यहाँ 77 रुपीज़ देते हैं। वो देखो स्प्राइट 77 रुपीज़। पता नहीं ड्रिंक्स इतना महंगा क्यों है यहाँ पे। मैंने घर में काफ़ी कॉल लगाया कि मसाला ले लूँ, बट पता नहीं शायद यहाँ पे ना नेटवर्क ब्लॉक मारा हुआ इंटरनेट, इन्होंने ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। तो ये सब मैंने अभी तक ले लिया, कितना आलू दे दें ले लेते, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना फ्लाइट में 2000 या 3000 एक्स्ट्रा देना ही पड़ जाता है वो बैगेज की वजह से। अगर यूज़ नहीं भी होता है तो ठीक है इट्स ओके। नहीं यार थोड़ा ओके छोटा लेते, छोटा वाला उबालना आसान होता है। ठीक टाइम में याद आ गया हमें घर का आलू पराठा के लिए, लेकिन हमें मसाला चाहिए है, लेकिन कोई कॉल उठाएगा घर से तब ना पॉसिबल है। ये भी देखते कल भी खा लेंगे, इतना टाइम से इंडियन मिस किया है ना। उस साइड भी प्याज था शायद, पता नहीं ब्रीड दूसरा होगा, बीटरूट था ओके बीटरूट है, बीटरूट ही है ना, हाँ बीटरूट है ओके। तो अंडा ज़्यादा लग रहा है प्याज कम लग रहा है, मिक्सचर लेके आना चाहिए था इंडिया से यार। फ्रूट में तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा ना लास्ट दिन देख लेंगे, मॉस्को में देख लेंगे लास्ट दिन अगर कुछ चाहिए। मसाला में कोई हेल्प कर देता ना, यहाँ पे रूस के लोग के घर में ना मसाला यार इतना कम मिलता है ना। देख लेते हैं और कोई वेजिटेबल ना 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 ना, 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 ना। ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, थोड़ा सा ना एक्चुअली
चिली यूज होता है, बट भाई साहब के घर में वो कोरिएंडर मतलब भाई धनिया पत्ता नहीं होगा तो जुगाड़ कर लेंगे कहीं से वो स्पाइसेस। लास्ट बार देख लेते हैं, कोई ब्रेड चाहिए होगा तो ले लेते हैं, फिर बाकी ख़त्म करते हैं। बड़ा ब्रेड भूलने के चक्कर में वेस्ट ना हो जाए, बट 65 रुपीज़ का फालतू का वेस्ट क्या करेंगे, मतलब उससे ज़्यादा क्वान्टिटी मिल जाए। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, इंडिया में क्या था ना, मतलब ये लोग क्या किया, इन लोगों ने पूरा मिक्स कर दिया, इसे समझ भी नहीं आ रहा है। ये भी ना 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 आलू पराठा ना, ठीक है भाई साहब के आसपास जो होगा दुकान उसी से देख लेंगे। सेमिया उज़्बेकिस्तान 75 का। अभी इंडिया से आने से पहले न्यू एक्स कार्ड लिया था, इसमें एक फीचर है वेव, जो काफ़ी मेरा हेल्प किया है, मतलब भाई अब समझ ही जाओगे कि रुपए कार्ड यार इतना फालतू है, मतलब फालतू का मेरा इशू कर दिया बैंक ने। ओके हम अचार देखते हैं यार, ये अचार है क्या, क्योंकि अचार के साथ ही मज़ा आएगा आलू पराठे का। इसका फ्लेवर कौन सा, क्योंकि जब भी अगर हम रोटी बनाएंगे मतलब तो चाहिए होगा। देख रहे हो ट्रांसलेट उधर अपने आप, ट्रांसलेट तो उधर है लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो इंस्टेंट ट्रांसलेट, बट वही है ना पिकल है ना, बस वही कंफर्म करना है, इतना बड़ा तो ले नहीं सकते हैं। ये 100% सॉस है, ये टोमेटो है, टोमेटो का अचार मेरे को नहीं पसंद। और ये क्या है, ये कुछ अलग लग रहा भाई, ये अचार लग रहा है। कितना है रूबल, 170 लिखा है, देखते हैं। नहीं होता तो ये खा के लेके जाते हैं, ये एक्चुअली बेटर है। ये सब ना काम नहीं आएंगे, मुझे वो लेड वाला हैबिट मिल जाता है, एक बार अगर गलती से खोल दिए ना पूरा का पूरा टिकट टिकट हो जाएगा। वो लेड वाला होना चाहिए जो पूरा घुमा के एकदम पूरा क्लोज कर सके अपने आप, लेड एक बार खोल दिए ना फंस जाएंगे। पॉपकॉर्न में ना यार थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट मेरे घर में तो ये है, वो दाने मंगवा लेते हैं सीधा खुद पॉप करवा लेते हैं। फालतू 52 क्या, मतलब 20 में काम बन जाता है। देख रहे हैं अभी पूरा मीट दिख रहा है, ये लाप्शा है मतलब ये नूडल्स, देखो काऊ काऊ, यहाँ पे चिकन, ये भी है काऊ काऊ, चिकन 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 भाई, ये देखो चिकन लेस भाई, मर जाएंगे सब खा के। मीट यहाँ पे देख लें, गलती से मीट चीज़ मत खा लेना, मतलब मीट का चिप, जैसे मैंने बोला मैंने सैचुरेटेड चीज़ें खाना छोड़ दिया है कब का, इसलिए बाहर का शुगर हम मच्छी नहीं देखेंगे, हम चिकन अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में गलती से खा लें, मच्छी कभी नहीं देखेंगे। ये दादा दादा दा। तो मुझे मेरा टोटल पड़ा 559 रुपीज़। अभी हॉस्टल जाते हैं, तुरंत बैग उठाते हैं और फिर निकल जाएंगे टू माय काउच सर्फिंग होस्ट, अंटिल देन पाका पाका। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब जरूर करना, करोगे ना तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।